मेरा नाम सिस्टर ज़ेफ है और मैं अरूप एक गांव है यहाँ पे गुजरांवाला में, यहाँ पे पिछले 20 सालों से बच्चियों को तालीम देने के लिए काम कर रही हूँ। जब मैं 13 साल की थी और मैं 7वीं जमात में थी तो मुझे मेरी टीचर की तरफ से बहुत बुरे रवैये का सामना करना पड़ा। उन्होंने मुझे शरारत की वजह से बहुत ज़्यादा मारा और इस वजह से मुझे इस वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो मैंने सोचा कि अब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी और स्कूल में नहीं जाना बल्कि मैंने अपना स्कूल बनाना है। तो मैंने 7th में स्कूल छोड़ दिया और साथ में मैंने फिर हमारा जो सहन था वहाँ पे मैंने एक स्कूल बनाया और मेरी पहली जो स्टूडेंट हैं वो मेरी छोटी बहन थी और मैंने अपने आप को पढ़ाना शुरू किया और फिर मैंने लोगों के घरों में जाना शुरू किया और 1 से 2 फिर 2 से 10 फिर 50 और इस तरह से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बढ़ते गए। जब मैं 9th क्लास में हुई तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू किया कि मैं एक मज़दूर की बेटी हूँ तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं ये स्कूल जो है बग़ैर पैसों के चला सकूँ। तो मैंने फिर अपनी पहली नौकरी शुरू की जहाँ से मुझे 600 रुपये महीना की तनख्वाह मिलती थी और उस 600 रुपये से मैंने अपना स्कूल जो है वो चलाना शुरू किया और मैंने हमेशा से बच्चों को फ्री एजुकेशन यहाँ पे दी है लड़कियों को। और तकरीबन 14 साल तक मैंने अपने सहन में बच्चों को पढ़ाया और उसके बाद मेरी जैसे जैसे तालीम बढ़ती गई मैंने डबल एमए किया पंजाब यूनिवर्सिटी से और जैसे जैसे तालीम बढ़ी फिर मुझे अच्छी नौकरियां भी मिलती गई और फिर मैंने 18 सालों तक तकरीबन नौकरी की और वो जो सैलरी आती रही है उससे मैं बच्चों को मुख्तलिफ सहूलतें देती रही हूँ। और अब यहाँ पे हमारे पास 120 बच्चे हैं जिनको हम फ्री तालीम दे रहे हैं, एफए तक हम फ्री तालीम देते हैं। हम जो यहाँ पे कोर्सेज़ करवाते हैं जैसे कि पॉलर का कोर्स करवाते हैं तो उसमें बच्चियाँ जब ये पूरा एक कोर्स कंप्लीट करके यहाँ से निकलती हैं तो इस काबिल हो जाती हैं कि वो अपने घर पे बैठ के काम करें और वो अपने आप को और अपने ख़ानदान को वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती हैं। इसी तरह से जब हम सिलाई का काम सिखाते हैं तो यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो मुकम्मल सिलाई का कोर्स करके जाती हैं, वो हर तरह के कपड़े जो हैं उनको डिज़ाइन कर सकती हैं, उनको सिलाई कर सकती हैं और वो घर बैठे काफ़ी अच्छी जो इनकम है वो कमा सकती हैं। फिर जो हम कंप्यूटर का की ट्रेनिंग देते हैं तो ये जो कंप्यूटर की ट्रेनिंग है ये हर किसी के लिए लाजमी है, चाहे हमारा नर्सरी क्लास का बच्चा है या कोई हमारी स्किल सेंटर की जो खातून है, उन सब के लिए ज़रूरी है कि वो ये ट्रेनिंग लें ताकि वो अपना जो नॉलेज है उसमें वो इजाफा कर सकें और अगर उनके जहन में कोई सवाल पैदा होता है तो वो गूगल पे उसको सर्च कर सकें। हमारी फ्रेंड जो मालिक एन वर्दी हैं आजकल फिर वो विज़िट कर रही हैं पाकिस्तान में हमारे स्कूल को, वो 3 सालों से बच्चियों को आर्ट सिखा रही हैं और हमारी बच्चियों ने अभी आप लोगों ने देखा कि वो बहुत खूबसूरत उन्होंने ड्राइंग्स बनाई हैं और वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं। हमारे मुआशरे में बच्चियों को हरासमेंट का बहुत ज़्यादा सामना है और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लड़कियां जो हैं वो स्कूल छोड़ देती हैं अपनी तालीम मुकम्मल किए बगैर। तो उसके लिए हम बच्चियों को सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाते हैं। हमारी फ्रेंड है मिशेल, वो अमेरिका से बच्चियों को स्काइप के थ्रू ट्रेनिंग देती हैं सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स की। माय नेम इज मलिक हनवर्दी एंड आई एम अ 27-year-old कॉलेज स्टूडेंट फ्रॉम अमेरिका एंड आई हैव बीन हेल्पिंग एंड वर्किंग अलोंगसाइड सिस्टर ज़ेफ फॉर 3 years सिंस मार्च 2015. And the reason why I'm so passionate about like helping Sister Zeph with her school and empowering young women and children is because my whole life I've been very interested in other cultures and helping empower women. तो ये वाले सारे काम जो हैं ये हम कर रहे हैं और यहाँ पे बिल्कुल फ्री एजुकेशन दी जाती है। हम लोग आगे बस बढ़ते जा रहे हैं, अब हमारी 3 ब्रांचेस हो गई हैं हमारे स्कूल की और हर जगह पे हम बच्चों को फ्री तालीम दे रहे हैं। और मेरा मकसद जो है तालीम देने का वो है हमारे एजुकेशन सिस्टम को तब्दील करना। मैं चाहती हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को इज़्ज़त दी जाए, जहाँ पे बच्चों को मोहब्बत दी जाए, जहाँ पे बच्चों को फॉलोवर्स ना बनाया जाए बल्कि उनको थिंकर्स बनाया जाए। मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं वो सवाल पूछना शुरू करें ताकि उनके जो जहन हैं वो काम करना सीखें और हमारे जो बच्चे हैं उनकी जो क्रिएटिविटी है उनको बाहर लाया जाए। और इसीलिए मैं जो लड़कियां हैं या जो ख़वातीन हैं उनकी एजुकेशन और एम्पावरमेंट दोनों पे मैं काम करती हूं ताकि, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और मुझे इस चीज़ का यकीन है कि जब तक हमारे जो 50% पाकिस्तान की पॉपुलेशन है जो औरतों पे है, जो औरतें हैं, अगर हम उनको घर पे बिठा के रखेंगे और सिर्फ मर्द काम करेंगे तो हम कभी भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन सकते। इसलिए हम सबको मिलके काम करना है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब तालीम याफ्ता हों और हम सब एम्पावर्ड हों और यही मेरा मिशन है।